खरगोन में भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरी में पुजारा फलिया में काका ने अपनी भतीजी को ही हवश का शिकार बनाया है। शराब के नशे में नाबालिग भतीजी को अपना हवश का शिकार बनाया है। भतीजी रात के समय शौच करने के लिए गई थी, जहां आरोपी काका गदरिया बरेला निवासी धर्मपुरी ने हाथ पकड़कर मोह दबाकर जान से मारने की धमकी देकर उसे घर में ले गया और दुष्कर्म किया। काका से जान बचाकर भागी तो आगे गड्ढे में गिर गई। उसी समय पीड़ित युवती के परिजन उसे खोजते हुए वहां पहुंचे, जिसके बाद उसने सारी कथा अपने पिता को सुनाई। उसके बाद में पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं आरोपी घटना के बाद फरार हो गया है। सर, ये हम धर्मपुरी रहते हैं, तो दशरथ महाराज का पुरिया, मतलब दशरथ महाराज मेरा काका ही लगता है, उसका पुरिया मेरे बच्चे को रात में पकड़ के ले गया और बलात्कार करा है, तो उसकी कार्रवाई जरूर किया जाए। की रिपोर्ट किया? हाँ, भगवानपुरे में रिपोर्ट किया, फिर भगवानपुरे से हमको यहाँ लाए भगवानपुरे के पुलिस, फिर खरगोन में भर्ती किया साहब। अभी उसकी कार्रवाई अच्छी करना चाहिए। छोरी को चोटें भी आई? चोटें भी आई है, पैर में चोट है, कोहनी में चोट है, अंदर मुक्का मार लागल छे। तो आरोपी गिरफ्तार नहीं करा? अभी नहीं करा सर। क्या आरोपी फरार है? अभी भागा है वो। अच्छी पढ़ती थी? हाँ पढ़ती थी, आठवीं पढ़े। क्या गलत काम किया? हाँ किया। क्या काका का लड़का? काका का लड़का है। मैं गलत काम करा है, उसके सब गया काका ने, तुम्हारे छोटे भाई ने। हाँ सर। क्या वो रात में आया था 1 बजे, मतलब वहाँ छुपा था या भगवान जाने, रोज आता है। एक दिन आया बच्ची, उसको मम्मी को बोले कि मैं मम्मी पेशाब करने जा रही हूँ, तो मम्मी बोले कि बेटी मैं यहाँ बैठे हूँ, तो दरवाजे पे बैठ जा, वहाँ पेशाब करके आ जा बोले। तो फिर वो गई और उत्ते पे वो मुँह दबा लिया और लेके भाग गया, गाड़ दिया उसके घर, लेके भाग गया उसके घर, लेके भाग गया। हम आधा घंटे हो गया वहीं वहीं देखा, फिर मेरी मम्मी उठी, गाड़ के आया था बोले, एक बार मैं देखी थी बोले। फिर उसके घर गया देखने, तो कहीं किधर भेज रहा होगा करके, तो वो ले जाके मतलब बलात्कार कर दिया उसने। फिर हम टार्ची लेके गया, तो फिर मैं पूछा उसको, गाड़ दिया करके, तो इतना पर मैं बच्ची को देख लिया, आड़ में छुपी थी, तो वो भागा रहा था बोले, तो भाग जाना करके, तो वो भाग रही थी, मैं देख लिया। फिर मम्मी पापा आ गया, वो मारेगा करके वो भागे जा रहा, घर के पास करार थी, वहाँ गिर गई, तो थोड़ी चोट लग गई उसको और बलात्कार कर दिया उसने। तुम्हारा तुम्हारा भाई है? भाई ने कर... भाई है, काका का छोरा है वो, हम मतलब दो भाई के छोरे हैं। शिकायत दर्ज करी गई? हाँ, फिर वहाँ से हम भगवानपुर आए, वहाँ रिपोर्ट डाले, वहाँ से रात में हमको यहाँ लाए, न इलाज करवाए, अभी यहाँ भर्ती अस्पताल। हाँ भर्ती करो। वो अभी बोल रहा था कि तो भगवानपुरा में रिपोर्ट दर्ज करेगी? हाँ करे। वहाँ पे भगवानपुरे थाने पे? अच्छा। हाँ वहाँ से शिकायत करी हमने कि वो मतलब मेरा काका का छोरा है समझो, तो मेरे बच्चे को रात में पकड़ ले गया, इसलिए हम आए ऐसा बोला उसको। अभी का अस्पताल भर्ती में? हाँ अभी, फिर वो बोले रिपोर्ट लिखे ना अस्पताल भर्ती, फिर खरगोन लाया, खरगोन में अस्पताल में भर्ती की। अभी क्या चाहते हो आप? हम अभी भर्ती करना चाहते हैं साहब, हमको तो हम पहली बार ये ऐसा देखा है, हम तो देखा भी नहीं और कुछ सुना भी नहीं आज तक, आप पहली बार बने हैं, तो हमको कुछ जानकारी। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए? हाँ सर, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना। अभी गिरफ्तारी हुई उसकी? नहीं हुई। फरार है क्या? हाँ फरार हो, वो छुपा लिया या कहीं भाग गया भगवान जाने। चोरी पढ़ती कितनी है? 8वीं पढ़ती है। छोटा काम, गलत काम करा? कर दिया है। हाँ क्या किया? बलात्कार करा उसने। कार्रवाई चाहते हो? हाँ हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं चाहते सर, कार्रवाई चाहते हैं आप, उसको क्या कुछ भी करना पड़ेगा, वो तो नहीं तो ऐसा छोड़ देगा, तो वो तो और दूसरे छोरे को पकड़ेगा, और खास है गुरुपत वाले का छोरा है वो, गुरुपत है उसका बाप दशरथ महाराज, गार्ग्या पिता दशरथ महाराज, पुजारिया फलिया धर्मपुरी। मामला था ये परसों 8 और 9 की दरमियानी रात की है, 1 बजे की घटना है।
अपने घर से बाहर निकल कर बाथरूम गई थी, तो बाथरूम करने गई तो उसका काका गाड़ दिया वहाँ की निकला, तो उसने इसको मुंह दबा के पकड़ के अपने घर ले गया और उसके साथ में ले जाके कोटा काम किया। कितने साल की थी बच्ची? बच्ची 15 साल की है। उसको किसी प्रकार से धमकाया भी गया? हाँ, उसको जान से मारने की धमकी दी। इसके माँ बाप जब उसको ढूंढने के लिए गए तो उसके घर में मिली लड़की, तो और वो वहाँ से भाग गया, लड़की भागी तो उसको गड्ढे में वहाँ पर गिर भी गई वो, तो उसको चोट भी लग गई है। उसको बोला था अगर तू कहीं किसी को बताएगी करेगी तो मैं तेरे को जान से खत्म भी कर दूंगा। आरोपी पकड़ में आया सर? हैं? आरोपी भाग गया अभी मौके से। किन धारा मामला दर्ज किया? ये इसमें 363, 366A, 376-2, 376-2-4, 376-2 कोष्टक में 1, 506। कौन सा गांव का मामला है सर? ये मामला है धर्मपुरी पुजारा फलिया का।